जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं आपका बेटा, आपका भाई मिथिलेश कुमार ठाकुर गढ़वा विधानसभा से इस 2024 के विधानसभा चुनाव में फिर से इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार हूं। और 2019 में आप लोगों ने अपार बहुमत से मुझे विजय श्री दिलाकर अपनी सेवा का मौका दिया था। 2 साल हमारे कोविड में चले गए, 6 महीने राजनीतिक उथल पुथल और कहे तो 2.5 वर्ष ही हमें काम करने का मौका मिला और 2.5 वर्षों में हमने गढ़वा को एक पहचान दिलाने का काम किया है। मैं एक बार फिर आप सभी हमारे अभिभावक स्वरूप मतदाताओं, हमारी माताओं बहनों, हमारे नौजवान साथियों, सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि विकास के मुद्दे पर, हक अधिकार के मुद्दे पर और गढ़वा में जो विकास का सिलसिला चल पड़ा है, आप मेरे चुनाव चिन्ह तीर धनुष जो ईवीएम के 2 नंबर बटन पर अंकित है उस पर अपनी उंगली दबाकर मुझे फिर से अपनी सेवा का मौका दे। और हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो बीड़ा उठाया है कि अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार मिले, रोटी, कपड़ा, मकान मिले, बिजली बिल माफी हो, बिजली फ्री, मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास, इस पर किसी तरह की कोई भी रोक न लगे, इस पर कोई विराम न लगे, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 13 तारीख को सुबह 7 बजे से 5 बजे के बीच आप अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का उपयोग अवश्य करें और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप मतदान करें और निश्चित रूप से आपका आने वाला 5 वर्ष स्वर्णिम होगा, उज्ज्वल होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड।